ये है 2024 के iPad Pro और इसके साथ पहली बार Apple ने M4 चिप को पब्लिक करा। और ये iPad काफी थिन है, बट इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले भी लगा हुआ है। तो पहले हम टैबलेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे आज तक टैबलेट्स का प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ में नहीं आया। अदर देन डिजाइनिंग एंड ऑल, टैबलेट बस एक फोन का बड़ा वर्जन है जिसमें मल्टीटास्किंग काफी आराम से हो जाती है। और जब हम टैबलेट में कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली एक लैपटॉप की सस्ती कॉपी बन जाता है, और इन दोनों चीजों में सिर्फ टच स्क्रीन का फर्क रह जाता है। बट जब हम टैबलेट में कीबोर्ड प्रिंट करते हैं तो हम उसकी टच स्क्रीन का यूज ना के बराबर करते हैं। तो आखिर टैबलेट की नीड क्या है? एप्पल iPad Air। तो सबसे पहले iPad Air को M1 से M2 चिप में अपग्रेड किया गया है। iPad Air में दो साइज आते हैं, 11 इंच एंड 13 इंच। इस बार एप्पल ने फाइनल कैमरा लैंडस्केप पे दिया है, और इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप लिटरली कोई भी फर्क नहीं बता सकते जब आप इसको पुराने वाले iPad से कंपेयर करोगे। और हाँ, एक और चीज, ये एप्पल का सबसे थिनेस्ट डिवाइस है जितने भी आज तक एप्पल ने बनाए हैं। मतलब लिटरली एप्पल तुम भी ये चीज करने लग गए। कोई भी डिवाइस के पतले होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से उसकी ड्यूरेबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज होती है। 11 iPad Air 60,000 से स्टार्ट होता है और 13 iPad Air 80,000 से स्टार्ट होता है। अब आते हैं एप्पल iPad Pro पर, जिसमें सबसे पहले हमें एक M4 चिप देखने को मिलती है, जिससे इस iPad को बहुत बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है, बट इसका कोई यूज नहीं है। और इसकी डिस्प्ले जिसमें एक साथ दो OLED पैनल्स लगे हुए हैं, और सिंपल सी बात, OLED इज द बेस्ट। कलर एक्यूरेसी, पिच ब्लैक, डार्कनेस, इंडिविजुअल पिक्सल्स, मतलब OLED बेस्ट है, इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। और इसको वो टैंडम OLED बुला रहे हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने एक OLED डिस्प्ले के ऊपर एक और OLED डिस्प्ले लगाई है, और M4 चिप की हेल्प से हमें डिस्प्ले क्वालिटी बेटर मिलती है। 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और 1600 nits की पीक HDR ब्राइटनेस मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। 11 इंच iPad Pro 1 lakh से स्टार्ट होता है, और 13 इंच iPad Pro 1 lakh 30,000 से स्टार्ट होता है। अब आते हैं Apple Pencil Pro पर, और मैं एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ एक यही चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कुछ नया आया है। दिखने में ये पुरानी जैसी दिखती है, बट काफ़ी कुछ है इसमें। इसके अंदर एक स्क्वीज सेंसर है जिसको दबाने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक जायरोस्कोप भी है जिससे पेंसिल को रोटेट करने पर एक सर्कुलर मोशन ट्रिगर होता है। इसके अंदर फाइंड माई भी है, मतलब आप इसके साथ छुपम छुपाई भी खेल सकते हो। और एप्पल पेंसिल प्रो सिर्फ लेटेस्ट लॉन्च iPad के साथ ही वर्क करते हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज एप्पल। एप्पल पेंसिल प्रो 12,000 की आती है। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसकी मैंने बात शुरू में थोड़ी सी करी थी। टैबलेट ना ही लैपटॉप है और ना ही फ़ोन, इसलिए इसका यूज केस अजीब है। अगर आप आर्टिस्ट या फिर डिजाइनिंग में हो तो आपके लिए चीज़ें डिफरेंट है, बट इसके अलावा इसका कुछ यूज़ नहीं है। टैबलेट लैपटॉप से बेटर नहीं है, बट टैबलेट पोर्टेबल है, बट आपको टैबलेट को लैपटॉप की तरह भी यूज़ करना है। और इस केस में ये iPad है, और इसका कीबोर्ड 34,000 का आता है, और इसकी पेंसिल 12,000 की आती है। बहुत बढ़िया, ये नैरेटिव मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। ये iPad MacBook से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये ज़रूर MacBook वाले कुछ काम कर सकता है, बट सारी चीज़ें ये MacBook वाली नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी रीड एंड राइट स्पीड हैवी वर्क में काफ़ी स्लो है व्हेन कंपेयर्ड टू MacBook। और इस iPad का कभी भी फुल पोटेंशियल कभी भी यूज़ ही नहीं करा जा सकता, बिकॉज इसकी पावर को यूज़ करने के लिए चीज़ें है ही नहीं। और ना ही Apple कभी भी इसको MacBook से ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, और ना ही इसमें MacBook वाली चीज़ें डालेगा, वरना Apple की MacBook वाली मार्केट ही डूब जाएगी। पहले टैबलेट इसलिए काम आते थे बिकॉज उस टाइम पे फ़ोन के स्क्रीन साइज काफ़ी छोटे होते थे, बट आज के टाइम पे फ़ोन के साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और ऊपर से फोल्डेबल फ़ोन्स के आने के बाद तो चीज़ें और भी अजीब हो गई है। मतलब टैबलेट्स दोनों चीज़ों के बीच में पिस्ता चले जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था, iPad MacBook जितने काम कभी भी नहीं कर सकता, बिकॉज Apple ऐसा होने ही नहीं देगा। कुछ तो डिफरेंस रखेंगे ये लोग इन दोनों में, वरना MacBook की मार्केट खतरे में आ जाएगी, और ये चीज़ Apple अच्छे से जानता है। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरा इंस्टा ये रहा, अब फट से फॉलो कर दो। Apple Vision Pro की वीडियो ये रही, अब चुपचाप से जाके ये देख लो। सो दिस इज सयम एंड यू आर वॉचिंग टेक स्टैक। Apple Pencil Pro. It takes the pencil experience to a whole new level. Wow.